नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का ये जो वीडियो है मेरे हिसाब से काफ़ी गंभीर वीडियो है। गंभीर वीडियो इसलिए है क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि बॉस आप मेरे को ये बताओ कि अगर हमने होटल मैनेजमेंट में MBA कर लिया तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, MSc कर लिया होटल मैनेजमेंट में या टूरिज़्म एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी मास्टर्स डिग्री ले ली तो उसका कुछ क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, MBA एक ऐसी डिग्री है जो हर इंसान करना चाहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो हम MBA करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। MBA हमारे लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हम तब निकालना चाहते हैं जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये बात सही भी है कि MBA एक ऐसी डिग्री है जो किसी भी डिग्री के साथ मिलकर के उस डिग्री को इन्हेंस कर देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको MBA यानी कि मास्टर्स होटल मैनेजमेंट में करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आई विल बी राइट बैक। गुड इवनिंग गाइज, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, घंटी दबाइए ताकि आप मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो देखते रहें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको MBA क्यों करना है। MBA लोग इसलिए करते हैं ताकि यार उनकी लाइफ थोड़ी सेटल्ड हो जाए। उनको लगता है कि एक बार ये MBA कर लिया तो हमें एक अच्छी इज्जतदार नौकरी मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बहुत पहले ही इस वीडियो के शुरू में ही, कि वो ज़माना लद गया कि आपने MBA कर लिया तो आपको शादी में बहुत दहेज मिल रहा है और आपको लाखों रुपये महीने की नौकरी मिल रही है। ये सब भूल भुलावे में मत रहो आप। अब हम बात करते हैं MBA इन होटल मैनेजमेंट का जो ख्याल है वो लड़कों के दिमाग में क्यों आता है। देखिए, ये इंडस्ट्री बड़ी डरावनी इंडस्ट्री है, लोगों को बहुत डराती है ये इंडस्ट्री, क्योंकि र्यूमर्स इतने हैं मार्केट में कि वो बेचारे लोग समझ नहीं पाते कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने सिर्फ होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन कर लिया या डिप्लोमा कर लिया सिर्फ, तो यार हमें चांसेस हैं 90% कि हम किसी लोअर प्रोफाइल पर काम करेंगे, एसोसिएट लेवल में या लोअर लेवल में। उनके दिमाग में क्या आता है कि अगर हमने MBA कर लिया तो ये तो मास्टर्स की डिग्री है तो हम लग जाएंगे डायरेक्ट मैनेजर। मैं आपके इस गलतफहमी को सबसे पहले ख़त्म कर देता हूँ और आपको सीधी बात बताता हूँ कि MBA करने के बाद आप होटल मैनेजमेंट में, आप होटल में, अगर आपने MBA किया होटल मैनेजमेंट में और आप ये सोच रहे हैं कि कल को मैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाऊँगा, डायरेक्ट जनरल मैनेजर बन जाऊँगा, डायरेक्ट फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन जाऊँगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊँगा, तो आप इस भुलावे से जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतना आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। आप MBA क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहले इस सवाल को जानिए। होटल मैनेजमेंट में MBA करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। लोग मेरे इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, बोलेंगे बॉस मैंने ये किया, मैंने ये उखाड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो उखाड़ा। नहीं, ये इंडस्ट्री चलती है एक्सपीरियंस पे। लोग मुझे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, बोलते हैं कि होटल बहुत ही घटिया जगह है, यहाँ पे सब अनपढ़ गंवार लोग बैठे रहते हैं। बॉस अनपढ़ गंवार बात अलग है, आप वो देखो कि उसके अंदर स्किल्स कितना है। अगर एक क्रिकेटर पढ़ा लिखा नहीं है, उसको खेलने आता है, वो छक्का आपसे ज़्यादा मार रहा है, तो उस क्रिकेटर की ज़्यादा वैल्यू है या किसी MBA करके जो क्रिकेटर आया उसकी वैल्यू है। तो दिस इंडस्ट्री इज अ स्किलफुल इंडस्ट्री। यहाँ पर आप जितना स्किल सीखेंगे उतना आपकी सैलरी बढ़ेगी और उतना आपका प्रमोशन बढ़ेगा। MBA इन होटल मैनेजमेंट में क्यों मना कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, MBA एक आखिरी डिग्री है। आपने होटल मैनेजमेंट में बैचलर किया, बैचलर करने के बाद आपको ये इंडस्ट्री पसंद नहीं है, आपने MBA कर लिया किसी दूसरे फील्ड में, कहीं पर भी कर लियो, और आप अपने इंडस्ट्री आपने चेंज कर ली। लेकिन अगर आपने MBA भी होटल मैनेजमेंट में ही कर लिया, फिर तो आपको इंडस्ट्री अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, आपको इसी इंडस्ट्री में रहना है। क्या कल को पेरेंट को जाके बोलोगे कि सर कि पापा मेरे को यार ये इंडस्ट्री पसंद नहीं आ रही है, अब मैं कहीं कुछ दूसरा करूँ, अब करोगे क्या उसके बाद? MBA करने का क्या बसता है? डॉक्टर PhD करोगे? उतना तो मेरे को लगता नहीं है कि हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम जाके PhD करें या डॉक्टरेट करें। तो MBA एक ऐसा डिसीजन है जो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। अब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बड़ा पैशनेट हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है। यार तुम MBA सेल्स में कर लो, तुम MBA मार्केटिंग में करो, तुम MBA PR में कर लो, रिटेल्स में कर लो, फाइनेंस में कर लो, फिर भी अगर तुम्हें होटल में जाना है तो पाओ। अगर आपने कोर MBA किया है, मतलब आपने जो उसका कोर डिपार्टमेंट्स होता है सेल्स, मार्केटिंग, PR, फाइनेंस, HR, तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि आप डायरेक्ट मैनेजर लेवल में पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने MBA इन होटल मैनेजमेंट किया तो ना आप घर के रहे ना आप घाट के रहे, आपने अपना टाइम भी बर्बाद किया। देखो, मैं कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये सब चीज़, बट मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि एक बंदा आया कल को रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया, उसने बोला कि अच्छा तुमने कहाँ कहाँ काम किया, नहीं नहीं डूड आई हैवंट वर्क एनीवेयर, मैंने तो डायरेक्ट MBA किया। मैंने आज तक कभी कैसे किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा है। तो दिस इंडस्ट्री वर्क्स ऑन एक्सपीरियंस, नंबर वन, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप MBA इन होटल मैनेजमेंट के भूल भुलावे मत रहो,
आप नॉर्मल एमबीए करो कोर डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद आपके लिए एक वृहद पैमाने पे ऑफर्स बढ़े हुए हैं। आप हॉस्पिटैलिटी के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, आप कहीं पे भी जा सकते हो। आप कल को होटल के सेल्स में ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट सेल्स मैनेजर, आप कल को डायरेक्ट एचआर में घुस सकते हो, डायरेक्ट आप मार्केटिंग में आ सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, अकाउंट्स में जा सकते हो, कितना डिपार्टमेंट आपके लिए खुल जाएगा क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर एमबीए की डिग्री रहेगी। तो बॉस मेरी बात मानो और अपने समय को मत बर्बाद करो, ज़्यादा दुनिया के भूल भुलावे मत हो एंड टेक अ नॉर्मल एमबीए डिग्री एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट। अगर आपको एमबीए करना ही है, तो आप करो। अगर आपको इसी इंडस्ट्री में रहना है और आपको कोर होटल के फील्ड में जाना है तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप एक्सपीरियंस गेन करो। यू कीप ऑन वर्किंग विद गुड होटल्स, यू कीप ऑन वर्किंग विद गुड प्रॉपर्टीज़ और आप साइड में करस्पॉन्डेंस में एमबीए कर लो, तो आपको एमबीए की डिग्री भी मिल गई और आपको साथ में आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो दिस इंडस्ट्री वर्क्स ऑन एक्सपीरियंस। तो आप ये भूल भुलावे मत रहना कि मैं होटल मैनेजमेंट से मैंने एमबीए किया तो कल को मैं कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान बन जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। अगर इफ़ यू आर विश, इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ एमबीए, देन डू अ रेगुलर एमबीए। दिस वॉज अ मैसेज, दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी कन्फ्यूजन थी शायद आपको थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा मिला होगा। दिस इज व्हाट आई हैव सेड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज आनंद मिश्रा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।